तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन जिनके बारे में आपने कभी सुना होगा और वो एक कैमरा स्मार्टफोन होने वाले हैं, जिनमें एक डॉक्सोमार्क की एक रेटिंग रिपोर्ट होती है जिनमें वो बताते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के तौर पर। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरा सेटिंग्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, यानी कि ये टॉप 5 कैमरा स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि डॉक्सोमार्क मतलब रेटिंग पॉइंट के द्वारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, यानी कि कौन सा बेस्ट मतलब कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि आज सभी युवा चाहे वो रील क्रिएटर हो या फिर मेरी तरह कोई यूट्यूब क्रिएटर हो, वो सभी प्रकार के कैमरा को देखते या फिर कोई किसी भी प्रकार के कोई पोस्ट भी करता हो तो भी वो ऐसा सोचता है कि यदि मेरे पास आईफोन होता तो मैं उसे इस एंड्रॉइड के मुकाबले एक अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर पाता, पर ऐसा नहीं होने वाला। आईफोन इस लिस्ट में, यानी कि आज मेरे द्वारा वीडियो में बताए जाने की लिस्ट में आईफोन सबसे एंड में रखा गया, इसका कारण भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप के एंड तक जरूर वॉच कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्सोमार्क क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, डॉक्सोमार्क एक ऐसी कंपनी या फिर ऐसी संस्था है जो एक पर्टिकुलर मतलब स्मार्टफोन में पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के तौर पर देखकर उनमें रेटिंग पॉइंट देती है, जिन रेटिंग पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, यानी कि कौन सा स्मार्टफोन जो आप सोचते हो वो है या फिर कोई दूसरा स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के हमारी इस लिस्ट में पहला नंबर कौन सा आने वाला है। तो आज का हमारा पहला स्मार्टफोन आने वाला है होनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से, जिस स्मार्टफोन का नाम होने वाला है होनर मैजिक 4 स्मार्टफोन, हाँ कैमरा स्मार्टफोन। तो इस स्मार्ट अल्टीमेट स्मार्टफोन यानी होनर मैजिक 4 अल्टीमेट स्मार्टफोन जो जिसकी हमारे डॉक्सोमार्क के रेटिंग पॉइंट्स की बात करें तो इसमें इस स्मार्टफोन को रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं 146 पॉइंट। और इस स्मार्टफोन में आपको कैमरा सेटअप के बारे में मैं आपको बताऊं, यानी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन कैमरा के बारे में बातें करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो कैमरा पर्टिकुलर में मतलब कैमरे के बारे में मैं आपको बताऊं, होनर मैजिक 4 अल्टीमेट स्मार्टफोन में आपको रियर साइड में 5 कैमरास देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला जो आपको iOS के साथ देखने को मिलने वाला है, साथ दूसरा कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का जिसमें आपको स्पेक्ट्रम इनहेंस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा देखने को मिलने वाला जो कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल की लेंस के साथ लेस देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ इसमें आपको चौथा कैमरा 3.5x डिजिटल डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, साथ ही पांचवी लेंस के बारे में मैं आपको बताऊं वो आपको डेप्थ सेंसर की लेंस देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के बारे में यानी सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है डेप्थ सेंसर विद आपको 12 मेगापिक्सल का, यानी कि 12 मेगापिक्सल का इस स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा होने वाला है जिसमें आपको डेप्थ सेंसर का लेंस के भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही बढ़ते हैं आज के हमारी सीरीज के दूसरे स्मार्टफोन की तरफ। तो आज का हमारा दूसरा स्मार्टफोन आने वाला है हुआवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से, जिस इस स्मार्टफोन का नाम होने वाला है हुआवे P50 Pro स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन के रेटिंग पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो आपको देखने को मिलने वाला है 144 पॉइंट्स, जिसमें आपको रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसमें से प्राइमरी लेंस की बात करें वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है एंड सेकेंडरी लेंस की बात करें वो आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल की लेंस के साथ लेस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ तीसरे कैमरे के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो आपको 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही चौथे कैमरे के बारे में मैं आपको बता दूं तो इसमें आपको 40 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर का साथ आने वाला कैमरा देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे या फिर सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको LED लाइट के साथ रियर साइड में देखने को मिलने वाला है, 13 मेगापिक्सल का इस स्मार्टफोन में फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। साथ ही बढ़ते हैं आज के हमारी सीरीज के तीसरे स्मार्टफोन की तरफ। तो आज का हमारा तीसरा स्मार्टफोन आने वाला है Xiaomi मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से, जिस स्मार्टफोन का पूरा यानी कंप्लीट नेम होने वाला है Xiaomi Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन में आपको रेटिंग्स के बारे में बताऊं, यानी कि डॉक्सोमार्क की रेटिंग पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसे मिले हैं आपको 143 पॉइंट्स एंड इस स्मार्टफोन में आपको रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरे देखने को मिलने वाले, जिसमें से प्राइमरी लेंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको 50 मेगापिक्सल का OIS लेंस देखने को मिलने वाला एंड दूसरा कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल की लेंस के साथ लेंस देखने को मिलने वाला एंड तीसरा कैमरा भी आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको टेलीफोटो पेरिस्कोप 5x तक की जूमिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला। साथ ही बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो इस स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा आपको
20 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। साथ ही बढ़ते हैं आज के हमारी सीरीज के चौथे स्मार्टफोन की तरफ, जो आने वाला है हुआवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से, जिस स्मार्टफोन का पूरा नाम होने वाला है हुआवे मेट 40 प्रो स्मार्टफोन। जिस स्मार्टफोन के रेटिंग पॉइंट्स की बात करें वो आपको देखने को मिलने वाले 139 पॉइंट्स। एंड इस स्मार्टफोन में भी आपको रियर साइड में 5 कैमरास देखने को मिलने वाला है, जिसमें से प्राइमरी लेंस की बात करें वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, एंड जो कि आपको OIS सेंसर के साथ देखने को मिलने वाला है। एंड दूसरा कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल की लेंस के साथ लेस देखने को मिलने वाला है। एंड तीसरे कैमरे के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको 12 मेगापिक्सल का 3x स्कोप, मतलब 3S फोकस के साथ देखने को, जूम इन फोकस के साथ देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का चौथा कैमरा, जो कि आपको 10X का ऑप्टिकल जूम के साथ सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में 1 डेप्थ सेंसर की लेंस का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, यानी सेल्फी कैमरे के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल की लेंस के साथ लेस का एंड डेप्थ सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं आज के हमारे पांचवें और आखिरी स्मार्टफोन की तरफ, आखिरी बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आने वाला है आपका और हमारा सबसे चहेता स्मार्टफोन, वो आने वाला है iOS स्मार्टफोन, यानी कि एप्पल की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन। तो इस स्मार्टफोन का पूरा नाम होने वाले एप्पल, यानी एप्पल आईफोन 13 प्रो स्मार्टफोन। तो इस स्मार्टफोन में आपको कौन कौन से फीचर, मतलब कैमरा पॉइंट्स, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्सो मार्क्स की तरफ से आने वाले मतलब पॉइंट्स की, यानी कि दोस्तों इसमें आपको मतलब वो पॉइंट्स के बारे में, यानी पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं, वो आपको 137 पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपको क्वाड रियर कैमरे देखने को मिलने वाले, जिसमें से 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलने वाला है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ लेंस वो मिलने वाला है। साथ ही साथ 12 मेगापिक्सल इसमें 3x की ऑप्टिकल जूमिंग का सपोर्ट के साथ आने वाला कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको डेप्थ सेंसर की लेंस का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। एंड इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के बारे में मैं आपको बताऊं तो एप्पल के iOS स्मार्टफोन में, एप्पल 13 प्रो में स्मार्टफोन में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी, सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया डेक्सो मार्क्स की रेटिंग पॉइंट्स के बारे में आने वाले, यानी रेटिंग पॉइंट्स की उस कंपनी के द्वारा बताएगी रेटिंग पॉइंट्स के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। पहला होनर था, दूसरा हुआवे था, तीसरा मतलब मीक का था यानी शाओमी का था, चौथा भी हुआवे का था और पांचवा हमारा एप्पल का था। तो आप समझ सकते हो जिस स्मार्टफोन को आप अपने मन से या फिर अपने दिमाग से अच्छा मानते हो वो सबसे इस एंड्रॉइड से नीचे, यानी चीनी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग के से नीचे है, यानी कि आप जिस स्मार्टफोन को कम मांगते हो वो अभी इस लेवल पर हाई है, और जिस स्मार्टफोन को यदि आप हाई मांगते हो वो इस लेवल पर अभी लो है। यदि आप कैमरा स्मार्टफोन चाहते हो तो आप हुआवे के कैमरा स्मार्टफोन या फिर मी के कैमरा स्मार्टफोन या फिर किसी भी अदर कंपनी के यदि आपके बजट में आते हैं तो वो स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा बताइए टॉप 5 कैमरा स्मार्टफोन, बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन की विथ रेटिंग्स के साथ आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी धमाकेदार एंड मजेदार टेक्निकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे ऐसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन से जैसे हम इस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसे धमाकेदार टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।